गुरूर है तुम में, अच्छा तो बहुत गुरूर है तुम में, इसे जरा संभाल के रखो। अच्छा तो बहुत गुरूर है तुम में, इसे जरा संभाल के रखो, और मर जाऊंगा तुम्हारे बिना मैं, चलो ये वहम भी पाल के रखो। कि काफी गजब के प्लेयर है मेरी स्क्वाड में, ये गोलियां ज्यादा हीलिंग का सामान कम रखते हैं, और तुम घास की बात करते हो, ये सड़क पे लेटने का दम रखते हैं। जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी, कि जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी, और आजकल चर्चा है लोगों में मेरे चुप रहने का, अरे जब बोलता तब कौन सा तुमने सुन ली थी। वक्त आने पर जवाब दूंगा, वक्त आने पर जवाब दूंगा, चेहरे और अल्फाज सबके याद है मुझे। मैं कहता हूँ इंतजार करो, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आएगा। और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बुराई करूं, जितने गिरे हुए तुम हो मैं भी उतना ही गिर जाऊं, तो माफ करना, ये हमसे ना हो पाएगा। कोई वफा करे तो वफा कीजिए, ना करे तो दफा कीजिए। बड़े बड़े महल गिर गए, ये मकान खड़ा हुआ है, अमीर पूछने आए ये अभी तक कैसे टिका हुआ है। बड़े बड़े महल गिर गए, ये मकान खड़ा हुआ है, अमीर पूछने आए ये अभी तक कैसे टिका हुआ है। मैंने कहा न संगमरमर से न किसी महंगे पत्थर से, गुरुचरणों की धूल से ये मकान बना हुआ है। कि दुनिया बुरे सपनों से डर जाती है, और मैं बुरे वक्त को अपना हुजूर मानता हूँ। कि दुनिया बुरे सपनों से डर जाती है, मैं बुरे वक्त को अपना हुजूर मानता हूँ, और कल क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता, कल कुछ करना है ये जरूर जानता हूँ। ये क्राउन और एस पर बैठे मेरे दोस्त रश करने में डरते हैं, और खुद को प्रो कहने वाले ये नूब बोट मारकर अपनी केडी मेंटेन करते हैं। ये सोना बाबू जानू हम पबजी वालों से ना हो पाएगा, ये सोना बाबू जानू हम पबजी वालों से ना हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है उनका मैसेज हमारे गेम के बीच में आएगा, और हमें वो चीजें पसंद नहीं जिसकी वजह से हमारा फोकस हिल जाए, हमें वो चीजें पसंद नहीं जिसकी वजह से हमारा फोकस हिल जाए। ये 3 मैजिकल वर्ड, ये प्यार की बातें किसी और से बगली, हम पबजी वाले रिस्क भी वहां लेते हैं जहां जरूरत पड़ने पे रिवाइव मिल जाए। दिल में आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं, इसीलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़ कर निकलता है। आजकल वो लोग भी कहते हैं कि हमारा तो नाम ही काफी है, जिनको गली में दो लोग भी नहीं जानते। जो दिल से और नजर से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता वो किधर गए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अपने पिता से 2 मिनट प्यार से बात कर लिया करो, तुम्हें वो सब कुछ दे देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सुबह सुबह पैर छू कर निकला करो उनके, जिंदगी में कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरे दिल की धड़कन को पहचानती हो, मोहब्बत मोहब्बत बहुत करती हो, क्या मेरे दिल की धड़कन को पहचानती हो, और तड़प उठा है ये दिल तेरी मोहब्बत में, तड़प उठा है ये दिल तेरी मोहब्बत में, क्या इस दर्द की कोई दवा जानती हो। प्यार की। एक दिन मैंने उससे पूछा कि बाबू अगर तुम्हें मुझसे बेटर मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। अगर मुझे तुमसे बेटर भी मिला ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुमसे बेटर नहीं चाहिए। ऐसे जवाब सुन सुन के मेरी खोपड़ी चटक गई, और मैं चाहता हूँ एक दिन जब मैं सो के उठूं तो मुझे कॉल आए, भाई जब आप कल रात को क्लब में थे आपकी एक्स टपक गई। ये तेरे बाप की बरात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस गेम में। तू आजा मेरे स्क्वाड में, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा गेम देख के तेरी बंदी बोले ओ मुझे तो तेरे स्क्वाड में जाना है। तेरी ए क्या मैं नली क्लैन है मेरा, गो बैक टू यू लोबी। ओए है क्या तेरे को कोई रिवाइव कराने के लिए। अब वो तो खेला चुपचाप, अब वो जिंकी उतार कर बस चली, ये मेरा तो मैं खेलूं दिन रात, चुकी पढ़ने लिखने से ना।
मेरे दोस्त पबजी के नशे में चूर हैं और तुम 10 मीटर दूरी पर रिवाइव के लिए रेंग रहे हो, फिर भी कहते हैं भाई तू बहुत दूर है। हम पबजी वाले हैं साहब, AKM पसंद है लेकिन M4 से प्यार है। कार 98 और M24 उठा लेते हैं लेकिन ओम के लिए नेड से मरने को तैयार है। आज मुझसे किसी ने कहा कि यार तू पबजी खेल के टाइम पास क्यों कर रहा है, क्यों बच्चों वाली चीजें कर रहा है। सुन, टाइम पास करना होता ना 10 MB वाला लूडो डाउनलोड करता, 2 GB का पबजी नहीं। जिन्हें लगता है पबजी बच्चों का खेल है, पहले खेल के देखो फिर बात करना। दिन पहले मेरा ब्रेकअप हो गया पर बहुत बड़ी वजह थी ब्रेकअप की, पबजी के बीच में कॉल कर दी यार। वो होना ही था, फोन कर दी पूछती कहाँ हो, मेरा बूट कैंप में हूँ, सामने बंदा एड स्कोप ले खड़ा है, तेरे फोन रख के हेडशॉट होने वाला है मेरा, फोन रख और कभी मत करियो। ये कुत्ते का मैंने किससे बात कर रही, तो ये मेरे से बात करना। अच्छा मेरे को बोल दिया, आई नो। इश्क में मुझे लगता है कि शायद इतनी तो शिद्दत चाहिए, इश्क में मुझे लगता है कि शायद इतनी तो शिद्दत चाहिए। पबजी खेलते समय मैंने तुम्हारी कॉल उठा ली, अब तुम्हें इस लड़के से और कितनी मोहब्बत चाहिए। जिनसे ऑटो गन नहीं चलती उनकी भिखारी जैसी शक्ल देख हम उन्हें ओम दे देते हैं। ये गलती उनकी नहीं हमारी है। और ओम उठाने वालों एक बात समझ लो, ओम सिर्फ एक गन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। उधर उनके हाथों में मेहंदी क्या लगी, इधर हमारे अरमान पीले हो गए। उधर उनके हाथों में मेहंदी क्या लगी, इधर हमारे अरमान पीले हो गए। और इस वक्त ने हमें तमाचा क्या मारा, कम वक्त हमारे तो गाल ही जहरीले हो गए।